टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यू पी एस आई एग्जाम दो हजार केस में चौदह नवंबर के सेकेंड सीट में जी के जितने भी जी के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको लोगों बताऊँगा वो जीनियन ऑथेंटिक क्वेश्चन है और अगर आप मेरे चैनल में, में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग को यू पी एस आई से रिलेटेड हर एनालिसिस की वीडियो आप लोग को तुरंत से तुरंत अपडेट दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्टिकल एक सौ आठ किसे संबंधित है तो आर्टिकल एक सौ आठ आपका संबंधित है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है त्रिलोचन में कौन सा समास है तो त्रिलोचन में बहुविरीत समास है उज्जवल को शुद्ध रूप में लिखें तो आपका उज्ज्वल का शुद्ध रूप यही है उज्ज्वल आपको वहाँ आप पर ऑप्शन दिया होगा तीन चार ऑप्शन तो वहाँ पर आप, आप लोग का ये करेक्ट आंसर होगा आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है तो आपातकाल जो आपका जर्मनी से लिया गया है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में तो संविधान संशोधन आर्टिकल तीन सौ अड़सठ में है स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो स्पर्शी व्यंजन सोलह हैं सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा चावल का अनुपात वेस्ट बंगाल और यूपी में होता है उर्दू में कौन सा उपसर्ग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है फिर अगला क्वेश्चन आपका है चौरा चौरी कांड कब हुआ था तो चौरा चौरी कांड चार फरवरी उन्नीस सौ बाईस ईस्वी को हुआ था देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थित है यह मथुरा रिफाइनरी है यूपी का पुराना नाम क्या है तो यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है यूपी में सबसे पहले गंगा नदी कहाँ पहुँचती है तो यूपी में सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर में पहुँचती है जनगणना कौन सी सूची में है तो जनगणना जो आपका संगसूची के अंतर्गत आता है दोहरी परिसंकट कौन सा अनुच्छेद में है तो इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन में बताएं। आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा